हेलो स्टूडेंट्स आवर यू कैसे हैं आप टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द फोन्स हेड क्वेश्चन आंसर क्योंकि आपको पता है जैसे कि हम सब ले कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज में जाइए या फिर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं द फोन्स हैड समरी बाय रानी शर्मा डेफिनेटली यू विल गेट तो चलिए फटाफट से आते हैं इसके एम सी क्यू और देन क्वेश्चन आंसर्स पे चलिए हेयर इज एम सी क्यू गिवन टिक द करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज फ्रॉम हेयर माइकल एंजलोज वॉज सेंट टू लॉरेंजो दैजी बाय लोडोविको दि लैंडियो बर्टोल्डो यर मार्को सो वॉट विल बी द करेक्ट तो बर्टोल्डो होगा इसका आंसर जैसे कि पता है माइकल एंजलो को जो है सेंट किया गया था लॉरेंजो डी मेडिसिन किसके थ्रू बोर्टोल्डो के थ्रू आइए सेकेंड देखते हैं

येस सो हियर बी विल बी द करेक्ट आंसर माइकल एंजलोज यू आर सपोज टू ड्रेस स्टोन फॉर सीनियर आर्टिस्ट हु परमिशन टू करव इट यूर सेल्फ तो माइकल एंजलो कहना मतलब ये था कि जो आप ये ड्रेस स्टोन कर रहे हैं आपको किसने परमिशन दी थी इसको करव करने के लिए मतलब कि इसकी जो है शेप देने के लिए खुदाई करने के लिए कि इसकी खुदाई जो है आप खुद से कीजिए चलिए अब तो आते हैं थर्ड पे वेन माइकल एंजलोस सेज वाई शुड ही लॉरेंजो से एनी थिंग टूडे इज अ हाफ हॉलीडे टू बी स्पेंड एज वी प्लीज एंड आई एम डूइंग नो हार्म ही इज शोइंग तो वो ये है कि क्या शो कर रहे थे अपना येस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे अपना फोर्थ पे आई ये द्लफ्ट इज नॉट अ कापियस्ट द वर्ल्ड कॉपियस्ट मीन्स सम वन हु इमिडिएट्स द वर्क ऑफ आर्ट ऑफ ओल्ड मास्टर्स विल बी द करेक्टर बी का करेक्ट आंसर है ठीक है फिफ्थ पे आते हैं लॉरेंजोज वर्ड्स वन डे नॉट ओनली इटली बट द होल वर्ल्ड शेल हेयर द माइकल एंजलोज वर्क प्रोफेटिक प्रोफेक्टिक विल बी द करेक्ट क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा जो है आ, सब लोग जो है माइकल एंजलोज को जानेंगे पूरी इटली है ना तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वट वॉज माइकल एंजलो इज डूइंग इन द गार्डन वेन मार्को केम टू हिम जब जो है मार्को आ रहे थे माइकल एंजलो के पास तो माइकल एंजलो क्या कर रहे थे गार्डन में देखते हैं क्या कर रहे थे सी द फर्स्ट आंसर हि माइकल एंजलोज वो का कार्विंग अ फोन्स हैड आउट अ पीस ऑफ मार्बल तो माइकल एंजलोज क्या कर रहे थे वहाँ पे माइकल एंजलोज जो है फोन्स uh, के हेड को कर्व की शेप दे रहे थे उसको जो है उसमें खुदाई कर रहे थे अ पीस ऑफ मार्बल के स्टोन uh, के जो जैसे स्टोन टाइप मार्बल होता है तो उसको जो है कर्व कर रहे थे उसकी खुदाई कर रहे थे शेप दे रहे थे फोन्स होता है जैसे मैंने आपको बताया था इट इज़ अ हाफ ह्यूम एंड अ हाफ गॉड माथोलॉजिकल क्रिएटर्स ना कम टू द सेकेंड क्वेश्चन सी द सेकेंड क्वेश्चन वट ओपिनियन डिड लॉरेंजो एंड हिज फ्रेंड्स हैव अबाउट द फोन्स हैड क्रिएटेड बाई माइकल एंजलोज तो वट ओपिनियन डिड लॉरेंजो लॉरेंजो के ओपिनियन के अकॉर्डिंग और उनके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अबाउट द फोन्स हेड क्रिएटेड बाई माइकलो एंजलोज क्या विचार था माइकल एंजलो माइकल एंजलो ने जो क्रिएट किया था फोन्स हेड को उनका क्या ओपिनियन था क्या विचार था लॉरेंजो का और उनका फ्रेंड्स का तो चलिए देखते हैं नफीदा आंसर सो हियर लॉरेंजो एंड हीज फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड द कार्विंग एंड थाट दैट माइकल एंजलोज वॉज वेरी टैलेंटेड जैसे कि लॉरेंजो ने और उनके फ्रेंड्स ने जैसे माइकल उनके फोन्स के हेड को देखा अप्रिशिएटेड होता है यहाँ पे तारीफ करना प्रशंसा करना ठीक है तो उसके कार्विंग की प्रशंसा की उसकी खुदाई की एंड थॉट और ये भी सोचा कि जो माइकल एंजलोज है वो बहुत ही टैलेंटेड है ठीक है कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी हेयर द थर्ड क्वेश्चन वट सजेशन डिड लॉरेंजो गिव फॉर इम्प्रूविंग द फ़ोन्स हेड हाउ डिड माइकल एंजलोज एक्ट अपॉन हिज सजेशन तो यहाँ पे क्या सजेशन लॉरेंजो को दिया गया लॉरेंजो ने दिया इम्प्रूव करने के लिए फोन्स हेड को एंड हाउ डिड माइकल एंजलोज एक्ट अपॉन हिज सजेशन और माइकल एंजलोज ने क्या रिएक्ट किया उनके सजेशन के ऊपर लॉरेंसो केजे सजेशन के ऊपर नाउ सी हियर द आंसर लॉरेंजो सजेस्टेड दैट द फोन्स कम्प्लीट से एंजलोज इमिडिएटली सो इट्स मैरिड एंड सेट टू वर्क ऑन इट तो लॉरेंजो ने यह सजेस्ट किया था कि फोन्स के जो टीथ बताए हैं वो पूरा सेट डला हुआ था उसमें पूरे दांत थे उसमें सेट ऑफ टीथ था बिलाईड बिलाइड मीन्स यहाँ पे झूठ होता है झूठा पता अकॉर्डिंग टू इट्स एज ठीक है तो उसके अकॉर एज के अकॉर्डिंग जो है उसके पूरे टीथ नहीं होने चाहिए थे तो माइकल लॉरेंजो ने सजेस्ट किया था कि पूरे टीथ नहीं होनी चाहिए उसकी जो एज है वो फिर यंग दिख रही है तो माइकल एंजलोज इमिडिएटली एकदम से उसने जो है अचानक इसके मेरिट इसके जो मेरिट हैं और उस पर काम करना शुरू कर दिया मतलब कि क्या फ़ायदे हैं अगर उसके पूरे टीथ दिखाएंगे उस टचू के ठीक है फॉर फॉन्स हेड के कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेयर इज फोर्थ क्वेश्चन वाई डिड लोडोविको नॉट विश हिज सन टू बी एस क्लाप्टर जो लोडोविको है जो फादर है माइकल एंडलोज का वो क्यों नहीं चाहता था कि उसका जो बेटा है स्क्लाप्टर बने स्क्प्टर मीन्स जो होते हैं मूर्ति का जो होते हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं वट मेड हिम चेंज हिज एटीट्यूड लेटर ऑन और कैसे उसका एटीट्यूड जो है लोडोविको का बाद में चेंज हो गया आंसर लोडोविको वॉन्टेड हिज सन टू फोकस ऑन स्टडीज़ लोडोवी को चाहते थे जैसे कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं स्टडीज़ में ध्यान दें सन टू फोकस ऑन स्टडीज़ एंड नाट स्पेंड हिज टाइम इन सच पर सूट सो हीयर पर सूट होता है तलाश करना तो वो जो है चाहते थे उसके पापा लोडोवी को कि उसका बेटा माइकल एंजलोस जो है स्टडी पर फोकस करे और इन मतलब कि फालतू की चीज़ों में टाइम ना वेस्ट करे हीज़ हर्ट चेंज उनका जो हार्ट है वो चेंज हो गया कब वेन द ग्रेट मास्टर लोरेंजो अप्रीशियटेड जब जो है ये ग्रेट मास्टर लोरेंजो ने अप्रिशिएट किया उसके काम को अप्रिशिएट प्रशंसा करना ठीक है तारीफ करना माइकल एंजलोज के टैलेंट के को तारीफ किया तब उनका जो है एकदम से माइंड चेंज हो गया सो नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर सो होप यू अंडरस्टूड everything and it is clear to all uh, in our next video we will do next chapter with a new summary with a new question answer thank you for watching this don't forget to do like share and subscribe my channel thank you all